हाय फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि आने वाले गेट एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे लोग जो गेट एग्ज़ाम देते हैं, मोस्टली फर्स्ट टाइम जो बैठते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो उन्हें ये कैलकुलेटर यूज़ करना मुश्किल पड़ जाता है। कई लोगों को मुश्किल पड़ जाता है, जो दो तीन बार दे चुके हैं उन्हें भी परेशानी होती है, क्योंकि इसकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल कैलकुलेटर से काफ़ी अलग है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको इस तरह से सॉल्व करके बताओ कि आपको कैलकुलेटर से थोड़ी यूज्ड हो जाए, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप प्रैक्टिस करके देखते हैं एक बार। जो गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए अपने एंड्रॉयड फ़ोन में और गेट वर्चुअल कैलकुलेटर टाइप कीजिए। वहाँ पर एक ऐप आपको मिलेगा जो डिट्टो गेट वर्चुअल कैलकुलेटर जैसा ही है, तो आप उसको डाउनलोड करके रखें। आई इंसिस्ट कि आप प्लीज़ इसे डाउनलोड करें और उस पर ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखें, जिससे कि आप थोड़े हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप वहाँ पर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, तो ये कैलकुलेटर की वजह से कई लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप अगर अच्छे से ये प्रैक्टिस कर लेते हैं और यूज्ड हो जाते हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स के मार्क्स तो डेफिनेटली गेन कर ही लेंगे, साथ में आपका टाइम भी सेव होगा। तो सबसे पहले तो कैलकुलेटर होता किस तरह का है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने इसका स्केच किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्मेट टाइप बनाया है। वर्चुअल कैलकुलेटर प्रेजेंट एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन, जो भी आपका कंप्यूटर स्क्रीन होगा जहाँ पर आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके टॉप राइट कॉर्नर में वर्चुअल कैलकुलेटर दिया होता है। इस तरह का कुछ दिखेगा वो कैलकुलेटर। इसमें ऊपर जो दो बार है, सबसे ऊपर आएगा योर मैथ ऑपरेशन, जो भी आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई या पावर कर रहे हैं, वो ऊपर दिखता रहता है। ये आपका आंसर नहीं होता है, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आप कर रहे हैं। आंसर जो है वो दिखेगा सेकेंड बार में, जैसे कि यहाँ मैंने 3.5 एक्सपोनेंशियल 3 किया तो 3500 ये आंसर नीचे आ रहा है। उसके नीचे यहाँ पे तीन कैटेगरी दी हैं आपको। डिग्री में ही रेडियो बटन रखना है, वो ऑलरेडी वहीं पर रहता है, इसे यहाँ पर आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे का जो सेक्शन है, मैंने सारे बटन्स नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको कैटेगरी बता दे रही हूँ कि एक्सट्रीम लेफ्ट में जो होता है पाए और ट्रिग्नोमेट्रिक बटन्स दिए होते हैं, जैसे साइन इनवर्स, साइन कॉस, टैन, इस तरह के। उसके बाद में ये एक्सपोनेंशियल जो है ये पावर देने के लिए यूज़ होगा। यहाँ ब्रैकेट्स है, उसके नीचे लॉग, एन, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, इस तरह के बटन्स हैं। फिर नंबर्स होते हैं 0 to 9 और डेसिमल पॉइंट है। और एक्सट्रीम राइट में इक्वल टू का बटन है, जिसके ऊपर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज और रेसिप्रोकल का होगा। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर इन गेट एग्ज़ाम हो गया। अब आइए देखते हैं इसे यूज़ कैसे कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या कैलकुलेशंस के लिए। जैसे कि सबसे पहले प्रॉब्लम में मैंने दिखाया है कि हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ 2/√6। 2/√6 के लिए नॉर्मल कैलकुलेटर में हम सीधे सीधे लिखते हैं, यहाँ पर आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना होगा। पहले आप टाइप करेंगे 2, फिर जो मैंने रेड कलर से दिखाया है ये बटन के सिंबल्स हैं, तो 2 टाइप करने के बाद में स्लैश बटन दबानी है, फिर 6 टाइप करना है, फिर रूट बटन दबानी है और फिर इक्वल टू दबाना है, तो आपका आंसर ये मिलेगा। आप वो ऐप डाउनलोड करें और ज़रूर ये प्रैक्टिस करके देखें कि आपका भी सेम आंसर आता है या नहीं। उसके बाद सेकेंड है 0.02 raised to power 3 divided by 4.5 into 26। इसे भी जब ये कैलकुलेटर में सॉल्व करना है तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना होगा। यहाँ पर भी जो रेड कलर से दिख रहे हैं ये बटन के साइंस हैं। सबसे पहले आप 0.02 टाइप करेंगे, उसके बाद एक्स क्यूब ये एक बटन दिया हुआ है, उसी सेक्शन में होगा जहाँ मैंने आपको बताया, सेकेंड सेक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद वाला, जहाँ लॉग और पावर्स है, एक्स क्यूब का एक बटन होता है। 0.02 दबाने के बाद आप एक्स क्यूब बटन प्रेस करेंगे और फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो जो भी 0.02 raised to power 3 की वैल्यू है वो दिखेगी आपको आंसर वाले बार में, यानी सेकेंड बार में। इस तरह से दिखाता है वो 8 into e raised to -6। यहाँ पे e मतलब जैसे हम लिखते हैं 8 into 10 raised to power -6, तो वो e raised to -6 दिखाता है कैलकुलेटर। तो ये कोई एरर नहीं है, ये आंसर ही होगा। आपको कुछ नहीं दबाना है वहाँ पर, 0.02 के बाद एक्स क्यूब दबाया, फिर इक्वल टू दबाया, बार पे ये आंसर दिखा, आप आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में आप स्लैश की बटन दबाएंगे डिवीजन के लिए, फिर 4.5, फिर से इक्वल टू दबाएंगे, इक्वल टू दबाएंगे, तो फिर से आपको
आंसर दिखेगा 1.77 ई रेज टू माइनस 6, फिर आप मल्टीप्लाई दबाएंगे और 26 करेंगे तो फाइनल आंसर लास्ट इक्वल टू दबाने के बाद आएगा जो रहेगा 4.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। प्रैक्टिस करके देखिए यही आता है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है साइन 56। अगर मुझे कैलकुलेट करना है साइन 56 की वैल्यू तो पहले मुझे 56 टाइप करना है, उसके बाद में साइन ये बटन प्रेस करना है और फिर इक्वल टू बटन प्रेस करना है, तो आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 25 इंटू रूट 2.5, तो पहले 25 टाइप करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई की बटन प्रेस करेंगे, जो स्टार बना होता है, मल्टीप्लाई साइन नहीं रहेगा वहाँ स्टार रहेगा, स्टार ही आपका मल्टीप्लीकेशन सिंबल है। 25 के बाद में स्टार प्रेस करेंगे, फिर 2.5 टाइप करेंगे, फिर रूट की बटन दबाएंगे और फिर इक्वल टू, तो आंसर आएगा 39.52। उसके बाद 3.5 क्यूब, इसके लिए आप पहले 3.5 टाइप करेंगे, फिर एक्स क्यूब की बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद में इक्वल टू, तो ये आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है पावर के सॉल्यूशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर। अगर मुझे सॉल्व करना है 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3, तो उसके लिए पहले मुझे 3.5 टाइप करना है, फिर स्टार बटन प्रेस करनी है, फिर ई एक्स पी करके एक बटन होता है ट्रिग्नो के बाद वाले सेक्शन में ऊपर में, ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल बटन, ई एक्स पी मतलब 10, जहाँ भी आपको 10 लिखना है पावर के लिए तो आप ई एक्स पी दबाएंगे, उसके बाद वो पावर वाली वैल्यू यानी कि 3। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ई एक्स पी के बाद जब आप पावर का नंबर लिखते हैं तो आपको ब्रैकेट ज़रूर देना है, क्योंकि पॉजिटिव पावर में ब्रैकेट भूल गए तो चलेगा, लेकिन नेगेटिव पावर में अगर आप ब्रैकेट देना भूल जाते हैं तो आंसर रॉन्ग आएगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है। तो 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 निकालने के लिए मैं 3.5 के बाद स्टार दबाऊंगी, उसके बाद ई एक्स पी प्रेस करूंगी, उसके बाद ब्रैकेट 3 क्लोज ब्रैकेट फिर इक्वल टू, तो आएगा 3500 आंसर। लास्ट यहाँ पर दिया है नेगेटिव पावर के लिए 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, अगर मुझे देना है तो मैं पहले प्रेस करूंगी 3, उसके बाद स्टार, फिर ई एक्स पी, फिर ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज फिर इक्वल टू, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 0.03। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, आप कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आप चाहें तो एक बार पॉज करके वीडियो स्नैपशॉट ले सकते हैं इन सॉल्यूशंस का, और कैलकुलेटर का जो स्केलेटन स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसका, और वो ऐप डाउनलोड करके आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो थैंक यू फॉर नाउ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि और कौन से टॉपिक्स हैं जिसके लिए आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी वो प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू।